नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैरोमेट्रिक और हाई लेवल जेट कंडेंसर के बारे में। और इस कंडेंसर के मेन कंपोनेंट इस प्रकार हैं, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसर चैम्बर और कंडेंसर सेल, परफोरेटेड ट्रे, बॉयलर फीड पंप, हॉट वेल, ओवरफ्लो पाइप, कूलिंग पाउंड एंड कूलिंग वाटर पंप। और इसकी वर्किंग इस प्रकार से है कि सबसे पहले स्टीम टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम कंडेंसर चैम्बर में एंटर करती है, और यह जो एग्जॉस्ट स्टीम है कंडेंसर चैम्बर के बॉटम से एंटर करती है, और यहां से कूलिंग वाटर पंप की मदद से कूलिंग पॉइंट से कूलिंग वाटर को लिफ्ट किया जाता है और जिसको कंडेंसर चैम्बर में भेजा जाता है। और यहाँ पर लगी परफोरेटेड ट्रे वाटर कूलिंग वाटर को स्मॉल जेट्स में, लार्ज नंबर ऑफ जेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्टीम है कूलिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, और जैसे ये कूलिंग वाटर के साथ मिक्सअप होती है तो यह हीट लेटेंट, जो लेटेंट हीट है उसको रिजेक्ट करती है, जिसके कारण स्टीम का फेज चेंज हो जाता है और वह वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रकार कंडेंसेट बनता है। उसके बाद यहाँ पर कंडेंसेट और कूलिंग वाटर कलेक्ट हो जाता है और वह इस लॉन्ग पाइप की मदद से, जिसे डिस्चार्ज पाइप या टेल पाइप कहते हैं और जिसकी लंबाई मिनिमम 10.363 मीटर होती है, और इस लॉन्ग पाइप से कंडेंसेट और कूलिंग वाटर को हॉट वेल में भेजा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसके कारण यह अपने आप ही फ्लो करता है और इसमें किसी प्रकार से अलग से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की ज़रूरत लो लेवल जेट कंडेंसर में होती है। जैसा हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह काउंटर फ्लो लो लेवल जेट कंडेंसर है जिसमें हॉट वेल और कंडेंसर चैम्बर के बीच में कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा हुआ है कंडेंसेट कूलिंग वाटर को हॉट वेल में भेजने के लिए। लेकिन इस प्रकार की कोई भी अरेंजमेंट बैरोमेट्रिक या हाई लेवल जेट कंडेंसर में नहीं है, वहाँ पर एक लॉन्ग पाइप लगी है डिस्चार्ज पाइप, जिसकी मदद से कंडेंसेट और कूलिंग वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हॉट वेल में डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद हॉट वेल से फीड वाटर को बॉयलर फीड की मदद से, बॉयलर फीड पंप की मदद से बॉयलर के वाटर स्पेस में भेजा जाता है। उसके बाद बाकी बचा हुआ पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस ओवरफ्लो पाइप से होता हुआ कूलिंग पॉन्ड में चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप लगा है, इसका काम होता है कंडेंसर चैम्बर से एयर और अनकंडेंस्ड स्टीम को डिस्चार्ज करना, और उसके बाद कुछ वैक्यूम भी क्रिएट होता है। एयर एक्सट्रैक्शन पंप स्मॉल साइज़ का और स्मॉल कैपेसिटी का होता है, इसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट होता है और कूलिंग वाटर पंप दोनों की मदद से कूलिंग पॉइंट से कूलिंग वाटर को लिफ्ट किया जाता है और उसको परफोरेटेड ट्रे में भेजा जाता है। तो इस प्रकार से बैरोमेट्रिक और हाई लेवल जेट कंडेंसर काम करता है, और इसमें जो फ्लो होता है स्टीम टरबाइन से आने वाली एग्जॉस्ट स्टीम का, वो अपवर्ड होता है और कूलिंग वाटर का डाउनवर्ड होता है, और इसलिए इसे काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर भी कहते हैं हाई लेवल का। और इसकी जो वर्किंग है वो लो लेवल जेट कंडेंसर की तरह ही होती है, सिर्फ इसमें कूलिंग वाटर पंप लगा होता है और एक डिस्चार्ज पाइप लगी होती है, और लो लेवल जेट कंडेंसर में डिस्चार्ज पाइप की जगह कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप लगा होता है और यहाँ पर कूलिंग वाटर पंप की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें बात करते हैं कि जो कूलिंग पॉइंट से कूलिंग वाटर को, इस कूलिंग वाटर की मदद से इसको लिफ्ट किया जाता है, इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं या एप्लीकेशन कह सकते हैं। इस टाइप के जेट कंडेंसर को साल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, शुगर मिल्क और फूड प्लांट में, कैनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पल्प एंड पेपर मिल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया बैरोमेट्रिक और हाई लेवल जेट कंडेंसर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और यह कैसे कार्य करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।